चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी सी डी से पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और एंगल जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी 126 डिग्री, हमें एंगल ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई ये एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ, जी ई एफ इधर वाला एंगल फाइंड करना है, एंड एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं इससे, ए बी पैरेलल सी डी और जी ई पैरेलल लाइन को कनेक्ट कर रहा है, तो पैरेलल लाइन को जो भी कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है। अब आप एंगल ए जी ई को देखो जो हमें निकालना है, और फिर जी ई डी को देखो जो दिया हुआ है, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है और पैरेलल लाइन के अंदर भी है, तो इसे बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये प्रॉपर्टी बनता है ऑल्टरनेट एंगल का, इसलिए ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसको हमने यहाँ शो किया, सिंस ए बी सी डी से पैरेलल है एंड ई जी इज द ट्रांसमिशन, देयरफॉर ए जी ई इक्वल्स जी ई डी, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, और जी ई डी 126 डिग्री है इसलिए ए जी ई ये भी 126 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमें निकालना है जी ई एफ, तो जी ई एफ इसे निकालेंगे। अब देखो जी ई डी जो एंगल है ना 126 डिग्री, इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं, जी ई एफ प्लस एफ ई डी इक्वल्स जी ई डी, इसको हमने यहाँ शो किया, जी ई एफ प्लस एफ ई डी इक्वल्स जी ई डी, ओके, तो जी ई डी एज इट इज, एफ ई डी जो है ये 90 डिग्री, क्योंकि ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर, ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर, इधर 90 डिग्री यहाँ पे, एंड जी ई डी जो है 126 डिग्री, ये 126 डिग्री, यहाँ 126 डाल दो, 90 को ला के माइनस कर दो, तो आपको जी ई एफ 36 डिग्री मिल जाएगा, तो ये जो एंगल है ये 36 डिग्री मिल गया। एंड लास्ट एंगल है एफ जी ई, ये हमें निकालना है, तो एफ जी ई हमें निकालना है, तो एफ जी ई और ए जी ई ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, तो इसको हमने यहाँ पे शो किया, दोनों ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल्स 180 डिग्री, ओके, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री है, जिसमें से ए जी ई हमें पता है, ए जी ई हमने निकाला था ना, ये 126 डिग्री, उसकी वैल्यू आप ए जी ई पे डाल दो, इसको ले जाके 180 से माइनस कर दो, तो ये 54 निकल जाएगा, एफ जी ई आपको 54 डिग्री मिल गया, तो इस तरह से एफ जी ई भी हमें मिल गया, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू और एस टी पैरेलल है, पी क्यू आर 110 डिग्री है, पी क्यू आर 110, आर एस टी, आर एस टी यहाँ पे 130 डिग्री है, फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो ये जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया एम एन, सच दैट एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू, यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा ड्रॉ एम आर एन सच दैट एम एन पैरेलल पी क्यू, तो एम एन पैरेलल पी क्यू। अच्छा, अब यहाँ पे एम एन और पी क्यू पैरेलल है, इसे ट्रांसवर्सल लेते हैं, तब आप देखो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल ना पैरेलल लाइन के बीच में और इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, मतलब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब को इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों अगर को इंटीरियर एंगल है तो दोनों सप्लीमेंट्री है, तो दोनों को प्लस करके 180 डिग्री, ये हमने यहाँ पे शो किया, सिंस पी क्यू पैरेलल टू एम एन एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम ये दोनों प्लस करके 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स, तो इसमें पी क्यू आर की जो वैल्यू 110 वो डाल दो आप, इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने से आपको क्यू आर एम का वैल्यू 70 डिग्री मिल जाएगा। अच्छा, अब पी क्यू एस टी से पैरेलल है, तो पी क्यू अगर एस टी से पैरेलल है तो एस टी एम आर के साथ भी पैरेलल होगा, तो यहाँ पर एस टी इज पैरेलल टू एम आर, और ये हो गया ट्रांसमिशन, दोनों पैरेलल लाइन को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर, तो उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो आप इस बार इस एंगल को और इस एंगल को देखो, ये दोनों ट्रांसमिशन की सेम साइड में पैरेलल लाइन के इंटीरियर में, तो इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, मतलब ये भी सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री, तो इसको हमने यहाँ शो किया, सिंस एस टी पैरेलल एम एन एंड एस आर इज द ट्रांसमिशन, ये लाइन ट्रांसमिशन, तो आर एस टी, आर एस टी और एस आर एन, एस आर एन ये दोनों आर एस टी और एस आर एन दोनों मिला के 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल, तो दोनों प्लस करने से 180, अब इसमें से आर एस टी जो है, आर एस टी ये 130 डिग्री, इसकी वैल्यू आप डालो इसमें, इसको राइट साइड ले जाओ, 180 से माइनस करो, कैलकुलेट करो, आएगा 50, तो एस आर एन की वैल्यू मिल गई 50, तो ये आ गया 50, इधर हमें मिला था 70, ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों मिला के तो 180 होता है, स्ट्रेट एंगल 180,
तो तीनों मिला के 180, तो यह मैंने लिखा यहाँ पे क्यू आर एम, ये क्यू आर एम प्लस है बीच में जो एंगल क्यू आर एस, बीच में क्यू आर एस, और इधर हो गया एस आर एन, एस आर एन, तो तीनों मिला के 180 डिग्री, तीनों में से दो एंगल का वैल्यू हमें पता है, एक 70 एक 50, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएंगे 60 डिग्री, तो क्यू आर एस का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल हमें निकालना था ये हमें मिला 60 डिग्री, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू 50 डिग्री, ए पी क्यू 50 डिग्री, पी आर डी 127, पी आर डी 127, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। अच्छा, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, इसे ट्रांसवर्सल लेते हैं, ट्रांसवर्सल मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का कनेक्टर, तो ये ट्रांसवर्सल लेते हैं। अब आप इन दोनों एंगल को देखो, एक्स और 50 को देखो, ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में लेकिन पैरेलल लाइन के अंदर ही है, तो इंटीरियर एंगल है, और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट में तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ऑल्टरनेट एंगल इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू इसको हमने ट्रांसवर्सल ले लिया, देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल है, ए पी क्यू और पी क्यू आर दोनों इक्वल है। अब इसमें से ए पी क्यू अगर 50 है तो एक्स का वैल्यू भी 50, तो एक्स इक्वल्स 50 डिग्री। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे y निकालना है, x तो निकल गया 50। अब ये जो ट्राइंगल हम लेते हैं इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी था कि ट्राइंगल का इंटीरियर अपोजिट एंगल को प्लस करने से एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है, तो इसको हमने यहाँ शो कर दिया, इन ट्राइंगल पी की यू आर, ये दोनों एंगल हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, दोनों को प्लस करने से एक्सटीरियर के बराबर, तो इसका नाम है क्यू पी आर, और ये हो गया पी क्यू आर, तो क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल्स 127 एक्सटीरियर एंगल पी आर डी के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें हमने वैल्यू डाल दिया, ये पी क्यू पी आर का वैल्यू वाई है, और यहाँ पर पी क्यू आर एक्स जो हमने 50 निकाला वो डाल दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ये 77 डिग्री हमें मिल गया वाई का वैल्यू, इस तरह से एक्स और वाई मिल गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू मीटर्स placed parallel to each other, PQ और RS, ये दोनों मिरर है, दोनों को पैरेलल रखा गया है। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B, ये incident ray है, ये mirror PQ को B point पे strike करता है। And the reflected ray moves along the path BC, यहाँ B point पे strike करने के बाद यहाँ से जब ray reflect होके आता है तो ये आके RS mirror को C point पे strike करता है, तो the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C, अगेन रिफ्लेक्स बैक अलोंग सी, यहाँ जब ये रिफ्लेक्टेड रे आके आर एस मिरर को सी पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं, यहाँ से रिटर्न रिफ्लेक्ट होता है अलोंग द पाथ सी डी, तो ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। अब हमें बोला है प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, तो प्रूव करना है ये दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले डिटेल्स नोट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास है पी क्यू पैरेलल आर एस, और हमारे पास हमें कुछ कंस्ट्रक्शन बनाना है, क्योंकि प्लेन मिरर में एक लॉ है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर को जिस पॉइंट पे जाके टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसे बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन अलग से बनाया क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल बनाया, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सी पॉइंट पे एक और नॉर्मल हमने बनाया, तो ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर्स, ये हमने दो परपेंडिकुलर बनाया, एक इस मिरर पे एट द पॉइंट बी, दूसरा नॉर्मल इस मिरर पे एट द पॉइंट सी, ये हमने मेंशन कर दिया। एम बी पी क्यू पे बनाया, एन सी आर एस पे बनाया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। तो उस तरह यहाँ पर भी एक इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, यहाँ ए बी एम इक्वल टू एम बी सी, एंड यहाँ पर ये दोनों इक्वल है बी सी एन और एन सी डी, तो बी सी एन और एन सी डी इक्वल है, तो ये हमने रीजन भी यहाँ डाल दिया क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इक्वल एंगल बनाते हैं, तो ये हमें इक्वल एंगल मिल गए। अच्छा, उसके बाद पी क्यू आर एस से पैरेलल है, एम बी पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, एन सी आर एस पे परपेंडिकुलर है, तो एक बात, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर परपेंडिकुलर्स हो ना तो वो परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए,
तो ये हमने यहाँ रीजन में डाला, पी क्यू आर एस से पैरेलल है, एम बी पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, एन सी आर एस पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एम बी और एन सी ये जो परपेंडिकुलर है दोनों ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो रीजन है परपेंडिकुलर्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इससे बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, अब ये दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से ये ए बी सी का हाफ है, तो इसकी जगह हमने डाल दिए हाफ ए बी सी, और ये बी सी डी का हाफ होगा, तो हमने बी सी एन की जगह डाल दी हाफ बी सी डी, तो बी सी एन की जगह हाफ बी सी डी, हाफ रिमूव हो गए, ए बी सी और बी सी डी इक्वल हो गए। तो ये ए बी सी और बी सी डी इक्वल हो गए, ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल है, एंड ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने का मतलब लाइन पैरेलल। तो हमने यहाँ पर लाइन पैरेलल बता दिया, रीजन डाल दिया ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, नोट कर लीजिए।